गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुंजन अरोरा दिस साइड। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लेवल आपको बताता हूँ। आज 20 दिसंबर 8:27 का टाइम है और मार्केट ना एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज पर खड़ी है। डेटा में भी वही सेम कन्फ्यूजन देखी मैंने जस्ट अभी, और वही सेम कन्फ्यूजन मैं चार्ट पे भी देख पा रहा हूँ। ओवरऑल जो टाइम करेक्शन की एक स्टेज होती है, हम टाइम करेक्शन की स्टेज पे हैं और वो भी बड़े टाइम फ्रेम चार्ट पर। तो ओवरऑल ना इस टाइम पे वॉलेटिलिटी रहती है। ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अचानक नीचे आ जाता है मार्केट। आप सेल का ट्रेड लेंगे तो अचानक से ऊपर चला जाएगा मार्केट। हम उस स्टेज में अब इस टाइम खड़े हैं, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करें, एक एरिया बता रहा हूँ आपको, 43,528 के ऊपर बहुत अच्छे से बुलिशनेस आ जाएगी और बियरिशनेस भी आ सकती है अगर 43,528 के ऊपर हल्का सा ब्रेकआउट करके वापस नीचे आया जैसे ही, तो यहीं से इसी एरिया से ही एक बियरिशनेस भी आ सकती है ये एरिया से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिससे जो कि आज डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन के ट्रेड की बात करूँ तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि फ्रेश डाटा बनने का हमें वेट करना पड़ेगा। ये मैंने बैंक निफ्टी के लेवल बता दिए। इवन दो अगर छोटा स्कैल्प करना हो तो ये एरिया से यहाँ तक का ट्रेड भी किया जा सकता है, यानी 43,400 से 43,528 का ट्रेड भी किया जा सकता है। अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुल के वापस ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा छोटा सा ट्रेड ये भी किया जा सकता है। हम खुल लें तो फ्लैट वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलने वाले, बिल्कुल फ्लैट जैसी ही ओपनिंग होने चाहिए। मतलब 150 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी और 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी थोड़ा सा फिर भी बेटर लग रहा है, डेटा वाइज भी बुलिश लग रहा है हल्का। बट मैं फिर से कहूँगा ये टाइम करेक्शन का जोन चल रहा है। इस टाइम करेक्शन के जोन के अंदर हमें बहुत संभल करके काम करना पड़ता है। स्कैल्प ही करिएगा, छोटे छोटे स्कैल्प करिएगा, डेटा फ्रेश बनने दीजिएगा। एकेडमी स्टूडेंट्स, आप टीओ पे फोकस कीजिएगा। अगर टीओ आपको बुलिश या बीरिश दिखता है, ठीक है, मैं भी उस टाइम पे एक कुछ और चीज़ों को हेड ऑफिस वगैरह के डाटा को देख करके टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तो आप उसके अंदर ज़रूर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेवल्स की अगर मैं निफ्टी की बात कर दूँ आपसे, तो लेवल 18,388 का जो लेवल है, रीटेस्ट का लेवल होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं खुल के हम वापस से नीचे आते हैं और यहाँ से एक बाइंग बन सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता, यहीं पे खुल के इस एरिया को तोड़ते हैं, यानी 18,435 के एरिया को तोड़ते हैं, यानी फ्लैट खुल के इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं 18,435 के एरिया को, तो फिर हम यहाँ तक का एक टारगेट अचीव कर सकते हैं 18,477 या मतलब 30-40 पॉइंट का स्कैल्प। कन्फ्यूजन वाला एरिया, लंबे लंबे टारगेट की बात नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। लंबे टारगेट्स आ सकते हैं बट हमें छोटे छोटे टारगेट्स को कैप्चर करते रहना चाहिए। यस, अगर आप एकेडमी स्टूडेंट हैं तो TFS को समझिए। 5 मिनट का TFS, फिर देन अगेन 15, देन 30, आप समझ के चेक कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी गेम हो सकता है मे बी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइव मार्केट में जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।